आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। आपसे रूबरू होने का उद्देश्य यही है कि जनता सावधानी बरते लेकिन दहशत ना फैले। अपनी सावधानी अगर स्वयं बरतेंगे, अपने को बचाव करेंगे, ग्रोसरी वाले आइटम्स और मेडिकल स्टोर भाई पीछे रुक जाना यार, सभी दुकानें वो बंद कर सकते हैं। उसी के मद्देनजर आपको ऑर्डर मिल गया होगा, मैंने ऑर्डर्स कर दिए हैं कि जो दुकानें सिर्फ ग्रोसरी में डील करती हैं, ये नहीं है कि वो काम को कुछ और करके चार उन्होंने सामान ग्रोसरी का रख लिया, चावल रख लिए, वो कहते हैं ग्रोसरी में डील कर रहे हैं। जो एक्सक्लूसिवली ग्रोसरी में डील करती हैं वो दुकानें 6 बजे बाद खुल सकेंगी और जो मेडिकल स्टोर हैं वो खुल सकेंगे। इसके अलावा सभी बंद रहेगा, पार्क भी बंद रहेंगे, सभी धार्मिक संस्थान भी बंद रहेंगे, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहे वो एजुकेशन के लिए हैं, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे ब्यूटी पार्लर हो गए, चाहे स्विमिंग के, चाहे कोई भी कोचिंग, किसी भी हॉबी क्लासेस हैं, 6 बजे बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। यह ऑर्डर आज पास कर दिए गए हैं और इनको जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वो वहाँ पर डाइनिंग नहीं होगा 6 बजे बाद, होम डिलीवरी वो कर सकते हैं। वो 9:30 बजे तक हमने अलाउ किया है ताकि आधा घंटे में अपना वो माइंड अप करें और 10 बजे जो कर्फ्यू का टाइम है उससे पहले पहले सभी अपना समाप्त करें। उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, उसको हम अगले 48 आवर्स में रिवाइव हो जाएगा ऐप। वो आज भी अगर मैंने इस पर डाउनलोड किया हुआ, मैंने अगर मैं बेड की बुकिंग यहीं से करता हूँ तो 1 मिनट में बेड की बुकिंग हो जाती है। आपका नाम, आपका फोन नंबर और आपकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट की क्या डेट है, पॉजिटिव आने की और क्या सिम्टम है आपको, ये चीज़ भरेंगे तुरंत आपको बेड बुक हो जाएगा जहाँ आप चाहते हैं। आपके पास अवेलेबल ऐप पे आता है कि हमारा सिटी में 7 बेड खाली है, तो आप 1 मिनट लाएंगे हमारा सिटी में आपको इंटरसेप्टर मिल जाएगा और वो 3 घंटे तक जो वैलिड रहेगी। वो इसलिए 3 घंटे किया है कि कोई भी बेड को बुक करके, जैसे रेमडेसिविर की मैं बात कर रहा था, ऐसे बेड बुक करके भी ना बैठ जाएँ कि अपना जरूरत पड़ेगी तो हम चले जाएँ। 3 घंटे बाद बाद में मेडिक को कैंसिल हो जाएगा और वो बेड हमारा खाली उसमें आ जाएगा। लेकिन वहाँ जो डॉक्टर हैं, अंतिम फैसला उसने भी करना है। अगर वास्तव में हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसको वहाँ जाके, इसका उद्देश्य हमारा ये रहा कि उसको जगह से चक्कर ना काटने पड़े, कभी सिटी जाए, फिर कैंट जाए, फिर मलाना जाए, तो यहीं से ही अपनी च्वाइस का जहाँ पे बेड अवेलेबल है वो जा सकता है। तो ये पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, आप भी इसके अंदर मदद करिए। और जो हमारा फ्रेंड है, हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो ओवरऑल मिलाएं तो 5.92 है। हमारे 3,02,963 सैंपल हुए हैं, इसमें से 17,966 ये कल रात तक की रिपोर्ट है हमारे पॉजिटिव आए हैं। लेकिन मार्च में हमारा जो रेट था ये 6.36 था, जो अप्रैल में बढ़ के, जो आजकल अप्रैल 22 अप्रैल तक का है, ये 10.72 लगभग 11% हो गया। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा ओवरऑल पिछली बार 5% के आसपास चल रहा था, वह अप्रैल में पिछली बार की पीक से अब डबल। इसलिए हमें बहुत सावधानियाँ बरतनी जरूरी है और जो इसको अभी भी लाइटली ले रहे हैं वह हम स्वयं के लिए तो घातक है ही, औरों को भी वो बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस बात के लिए आप भी डेली पेपर में पढ़ता हूँ मैं, और आप जब भी कोई बाइट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप कहते ही हैं कि स्टे फ्री एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। इसलिए इन बातों के ऊपर आप आगे भी रखें। हमारे वैक्सीनेशन का जहाँ तक है 2,70,000 के आसपास हमारी वैक्सीनेशन अब तक फर्स्ट और सेकेंड डोज मिला करके हो चुकी है। कुछ हमने और चीज़ें की हैं यहाँ पे, जो हमारे 90% से ऊपर हमारे होम आइसोलेशन में हैं, जो हमारे एक्टिव हैं 2,200-2,300 जो हमारे एक्टिव पेशेंट्स हैं, कोविड पेशेंट्स, उनमें से 90% से ऊपर हमारे होम आइसोलेशन में हैं। और होम आइसोलेशन में मैं भी बात करता हूँ 25-30-40 के डेली, तो अब तक ऐसा एक केस को छोड़ के
हर एक ने ये कहा है कैसे हमने कि हमारे पास डॉक्टर्स की टीम आई थी, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ अल्टरनेट डेज पे डॉक्टर्स की टीम उनको विजिट करती है। हमने ऐप डेवलप किया हुआ है, डैशबोर्ड पे सब की आता है कि किस किस को विजिट कर लिया है, जियो टैगिंग से उसको कनेक्ट किया हुआ है। अगर वहीं जाएंगे डॉक्टर्स कोई उस ऐप के ऊपर अपलोड कर पाएंगे, अगर मेडिसिन वैसे भेजी है तो उस ऐप के ऊपर अपलोड नहीं कर पाते। इसीलिए होम आइसोलेशन में हमारी रिकवरी रेट भी समय पे ही है, बिल्कुल ठीक है। और अच्छी बात यह है कि होम आइसोलेशन से हमारे ऐसे पेशेंट बहुत कम कन्वर्ट हो रहे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है। तो ये इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, इसी का नतीजा है कि हमारे हॉस्पिटल में वो रश नहीं है, अदरवाइज तो एकदम से हाथ।